हाय, वेलकम टू माय व्लॉग्स एंड वेलकम टू माय नाइट स्किन केयर रूटीन। आप लोगों को पता है स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन, आप लोगों को पता है मेरे 70% बाल मैंने लूज कर दिए थे इन 2021 बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ स्ट्रेस एंड अनहैंडल और अनअवॉइडेबल सिचुएशंस की वजह से। बट नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड, बाल बिल्कुल अच्छे से देखो आ गए हैं एंड बेबी हेयर। बहुत सारे डीएम्स कमेंट्स पड़े थे कि रूटीन क्या चल रहा है एंड अभी मुझे टाइम मिला है सो मैंने कहा मैं फटाफट क्विकली शूट कर लेती हूँ। फर्स्ट थिंग इज कॉल मैसेजेस, सारे डीएम्स वगैरह खत्म करके एंड बहुत सारे क्लाइंट कॉल्स लेकर स्टार्ट करते हैं स्किन केयर रूटीन। ये मैं बचपन से लगा रही हूँ, बहुत अच्छा है। इससे मैंने बहुत सारे मेकअप रिमूवर बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके देखी हैं, बट ये जो काम करता है कोई काम नहीं करता यार। बड़े आराम से इससे बहुत अच्छे से फेस क्लीन हो जाता है। उप्स, आई रिमूव माय बिंदी। हाँ, अच्छे से इससे फेस क्लीन करेंगे बहुत ही अच्छे से। ओके, नेक्स्ट हम एक बिल्कुल क्लीन फ्रेश टॉल लेंगे, अच्छे से इसको हल्के हाथों से क्लीन करेंगे लाइक दिस। नेक्स्ट, ये देखो कितना सारा डर्ट अच्छा खासा निकला है, इस पर दिख रहा है, दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हीरा मेरा फेस वॉश फॉर एवर लाइफ का। जिंदगी में ये फेस वॉश बहुत अच्छा काम करा है, मैंने बड़े सारे लगा के देख लिए, ये वर्क करता है। सो मैं क्विकली फेस वॉश करके आती हूँ। आफ्टर फेस वॉश यहाँ पर मेरे पास है चंदन का पाउडर, इसको हम बनाएंगे फेस मास्क। उप्स, थोड़ा सा डालेंगे, बिल्कुल इतना सा। अदरवाइज मैंने नोटिस करा बहुत सारे लोग ना अपना मास्क बड़ा वेस्ट करते हैं, सो जस्ट इतना काफ़ी है। जस्ट अ टाइनी ड्रॉप, देख रहे हो, इतना सा ही लेना है। पानी आ रहा है, तब तक मैं बात करूँ आप लोगों से। मेरा फेस भी बड़ा डैमेज हुआ था बीच में ना, अभी देखिए थोड़े थोड़े एक्ने के स्कार्स दिख रहे होंगे, एक आधा है ना, एक्ने आ गए थे फिर चले गए। नेक्स्ट डाला मैंने पानी थोड़ा सा, इसका बनाएंगे हम पेस्ट। देख रहे हो कैसा बना है पेस्ट, ये ऐसा बना, ठीक है। इसको हम लगाएंगे फेस पर। पेशेंस रखना पड़ेगा जब तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। ओके, हियर वी गो। सबसे क्यूट वाली चीज ये मेरा एक मेकअप फैन है, इसे ठंडी ठंडी हवा मिल जाती है बहुत अच्छे से और ये पूरा ड्राई हो जाता है इन जस्ट 1 or 2 minutes। और इसको ड्राई करके मिलती हूँ मैं आपसे। तो फेस मास्क, ये रहा हमारा आइस, अच्छे से आइसिंग करेंगे अच्छे से। अब तो मौसम भी खुल गया है, सर्दियों में तो आइसिंग नहीं हो पाती थी। ये रहा आइसिंग, ऐसे फेस करेंगे क्लीन। साफ हो गया, साफ हो गया। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है ये एक्सेस डर्मा का विटामिन सी का सिरम, इसको हम अप्लाई करेंगे अब रात को सोने से पहले 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ, उसको बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे, हल्के से मसाज भी करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास सेस डर्मा का अंडर आई का है एक क्रीम, नो एक सिरम। इसको हम जस्ट अपनी आई के नीचे यहाँ पे, और इससे बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। नेक्स्ट अच्छे से इसको मसाज करेंगे अच्छे से यहाँ पे भी और अपर आईज पे भी, क्योंकि ये भी ब्लैक होने लग जाती है। सदाबहार हमारा बोरोलिन, ये टफी ने इसको चकना चूर कर दिया है हमारा। लिप बाम, मैंने बहुत सारे लिप बाम्स ट्राई करे थे, बहुत बहुत सारे, बताऊँ कौन कौन से लिप बाम ट्राई कर रखे हैं मैंने। मेरे पास ये लिप बाम है, कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ा इससे, है ना। और दिखाती हूँ मेरे पास, उप्स, ये वाला भी लिप बाम है, इससे भी कुछ खासा मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे पास निव्या के भी हैं, बॉडी शॉप के भी हैं, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सच बता रही हूँ कोई भी खासा फ़र्क नहीं पड़ा। ये कौन सा है, आई गेस ये पिक्सी का है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट इन सबसे मेरे लिप्स और ज़्यादा ड्राई होते जा रहे हैं।
ये तो हो गया हमारा स्किन केयर रूटीन. अब हम बात करते हैं हमारा हेयर केयर रूटीन. सो यहाँ पे इफ़ यू कैन सी मेरे बहुत सारे ना बेबी हेयर्स हैं, बहुत सारे. मैं बालों के लिए ना बहुत कुछ कर रही हूँ, बहुत कुछ. सो मैं अभी कुछ सीरीज़ चलाऊँगी जिसमें बालों के लिए कर रही हूँ, डाइट से रिलेटेड. और मैंने सारा केमिकल ट्रीटमेंट बंद कर दिया. यू कैन सी मैं नेचुरल कर्ली हेयर, पूरा का पूरा कर्ल है मेरे बालों का, नेचुरल कर्ल है. सो सबसे पहले मैं कुछ रिचुअल फॉलो करती हूँ. मेरे बहुत सारे सीरम्स मैंने लगाए हैं, ऑयल मैंने घर पे बनाए हुए हैं. सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने कॉम करा मेरे बालों में ये रात को, क्योंकि कल मुझे हेड वॉश करना है एंड मैं इसलिए आज रात को ये काम कर रही हूँ. जिस दिन नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे हेड वॉश नहीं करना होता उस रात में ये काम नहीं करती. यू कैन सी मेरे 4 से 5 बाल गिरे हैं बस. और मैं सुबह की अपकंगी कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मेरी इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स थी, मैं बैठ के सिर्फ कॉल्स ले रही थी. ओके, अब ये रहा हमारा एक बहुत अच्छा लोशन. ये मेडिकल स्टोर पे मिलता है एंड ये है फॉर हेयर लॉस. अब ये सिर्फ आपने अपने स्कैल्प्स पे एक एक ड्रॉप इसका स्प्रे करना है, दैट्स इट, अच्छे से पार्टीशन करते जाओ, स्प्रे करते जाओ, पार्टीशन करते जाएंगे हम, स्प्रे करते जाएंगे. मेक श्योर ये फेस पे ना आए, मतलब ऐसे आपके फेस पे बाल आने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं. ओके, ये हो गए बालों पे स्प्रे बहुत अच्छे से. अब बात आती है हेयर ऑयल की. मेरे चैनल पे मैंने एक हेयर ऑयल का वीडियो डाला था और वो है ये. मेरा भी ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट. सो अभी हम क्या करेंगे, अब देखना. मैंने लिया ऑयल हाथ पे, इसमें बहुत सारे हर्ब्स एडेड हैं, बहुत सारे. इसको मिक्स करा. मैं जड़ों पे नहीं जा रही, स्कैल्प पे नहीं गई, मैं जस्ट यहाँ पे अपने बालों को टेक केयर कर रही हूँ. मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी यहाँ पे मैं अपने बालों को कैसे मैनेज करती हूँ जब हम बाहर जाना होता है ना कहीं, बिकॉज अभी तो केमिकल ट्रीटमेंट टाटा फाइबर कर दिया हमने. कौन कौन से मास्क, कौन कौन से प्रोडक्ट, हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं. थोड़ा सा ऑयल मैंने और लिया यहाँ पे. करेंगे हम कॉम. एंड मेक श्योर आप अपने बालों को ना एकदम टाइट मत बांधो, जस्ट उनको सांस लेने दो थोड़ा बहुत ना. सॉफ्ट सी क्रंची, क्रंची बोलते हैं ना इसे, क्या बोलते हैं कृष्णा उसको भी नहीं पता. रबर बैंड कुछ सॉफ्ट सा, इसको टाई करा अच्छे से, दैट्स इट एंड गुड टू गो. एंड ये था हमारा हेयर एंड स्किन केयर रूटीन. And I'll see you soon in my next vlog. Bye-bye. Take care.